संजय दत्त की लाइफ पर बनी फिल्म संजू बड़े पर्दे पर आई तो उनके फैंस का इंतजार खत्म हो गया। लेकिन बॉलीवुड के कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिनकी ये बेसब्री फिल्म रिलीज से कुछ वक्त पहले ही खत्म हो गई थी। जब वो संजू की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने पहुंचे, संजय दत्त अपनी वाइफ मान्यता दत्त के साथ स्क्रीनिंग देखने पहुंचे थे, जिन्होंने अब तक अपनी इस बायोपिक को देखा ही नहीं था। संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त भी स्क्रीनिंग में आई थी। वहीं फिल्म के लीड एक्टर और संजय का किरदार निभाने वाले रणबीर कपूर भी मां नीतू सिंह के साथ स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे। खास बात ये थी कि रणबीर की इस फिल्म को देखने आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान भी यहां आईं। जी हां, बुधवार की रात हुई स्क्रीनिंग में आलिया की मां सोनी राजदान भी नजर आईं। दरअसल आलिया और रणबीर के बीच अफेयर को लेकर लगातार खबरें आ रही थी, जिसको लेकर दोनों ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में वो सब कुछ कह गए हैं। इसके अलावा संजू की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने बॉलीवुड के तमाम स्टार्स भी यहां पहुंचे। मनीषा कोइराला, जो फिल्म में संजय दत्त की मां नरगिस बनी है, विवेक मिश्रान के साथ स्क्रीनिंग देखने आए। वहीं फिल्म में अहम रोल निभा रही अनुष्का शर्मा का भी खूबसूरत अंदाज यहां देखने को मिला, जो अपनी पिंक ड्रेस में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती नजर आईं। इस खास मौके पर फिल्म संजू के निर्देशक राजकुमार हिरानी भी नजर आए, जो अपनी वाइफ के साथ आए थे। इस स्क्रीनिंग पर वरुण धवन नजर आए, तो वहीं डैड डेविड धवन भी फिल्म देखने पहुंचे। बताते चले कि फिल्म में संजय दत्त के पिता सुनील दत्त का किरदार परेश रावल ने निभाया है। मां नरगिस के किरदार में मनीषा कोइराला, पत्नी मान्यता के किरदार में दिया मिर्जा नजर आई हैं। वहीं फिल्म में सोनम कपूर और अनुष्का शर्मा का भी अहम रोल है। लेकिन लीड रोल निभा रहे रणबीर कपूर की बात करें तो उन्होंने खुद कबूला है कि संजू में संजय दत्त का रोल निभाना काफी चैलेंजिंग था, जिसके लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत की है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, मुंबई।